शिव पुराण में मनुष्य द्वारा सोचे गए विचारों, कहे गए वचनों और किए गए कृत्यों के आधार पर ऐसे पाप वर्णित किए गए हैं जिसे भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को एक न एक दिन महाकाल के दंड को भोगना पड़ता है और ये लोग अपना जीवन कभी भी अच्छे से व्यतीत नहीं कर सकते हैं। नंबर एक, गलत रास्ता अपनाना। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं पर सही निर्देश मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़ते और बुरी राह को खुद चुनते हैं। ऐसे लोगों के पाप अक्षम्य होते हैं। नंबर दो, बुरी सोच। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बना सकती है। नंबर तीन, पैसों की धोखेबाजी। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना, पैसों की हेराफेरी करना और धन संपत्ति लूटना भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए यह अक्षम्य पाप अपराध है। नंबर चार, कष्ट देना। किसी भोले भाले और निरअपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नज़रों में हर हाल में माफ़ी ना देने योग्य पाप है। नंबर पाँच, गर्भवती महिला को कुवचन। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिव की नज़रों में अक्षम्य अपराध और पाप है। नंबर छः, शादी तोड़ने की कोशिश। भगवान शिव को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते, खास तौर से किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं और इस पाप को माफ नहीं करते। दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में आता है। नंबर सात, अफवाह फैलाना। समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नियत से या उसकी पीठ पीछे बातें करना या अफवाह फैलाना भी एक अक्षम्य पाप है। नंबर आठ, नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना। किसी के सम्मान को हानि पहुंचाने की नियत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और अक्षम्य पाप का भागीदार बनाता है। नंबर नौ, दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर रखना। किसी ऐसी स्त्री पर नज़र रखना, उसे बुरी नज़र से देखना या मन में उसे पाने की इच्छा रखना जो पहले से ही शादीशुदा है, यह भी पाप की श्रेणी में आता है। ऐसे पुरुष को ईश्वर जरूर दंड देते हैं। नंबर 10, धर्म के खिलाफ। अगर कोई मनुष्य धर्म के खिलाफ होकर कोई काम करता है तो वह पाप का भोगी बनता है। जो मनुष्य धर्म में वर्जित बताई गई चीज़ों का सेवन करते हैं उन्हें भी महादेव क्षमा नहीं करते। शिव पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति, महिला और बच्चे पर की गई अहिंसा अक्षम्य अपराध मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति को महादेव कभी भी माफ नहीं करते। नंबर 11, अपमान करना। शिव पुराण के अनुसार जो मनुष्य अपने माता पिता, घर की लक्ष्मी यानी पत्नी, पूर्वजों, गुरु या फिर घर के किसी सदस्य का अपमान करते हैं उन्हें महादेव कभी भी माफ नहीं करते। किसी व्यक्ति को बेवजह नीचा दिखाना या फिर बुरा भला कहना भी पाप की श्रेणी में आता है। किसी कमजोर व्यक्ति का अपमान करना और उसका मजाक उड़ाना भी पाप है। कभी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए।